आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स लेकर आई हूँ जो आप बालकनी या टेरेस पर आसानी से हैंग कर सकते हो। इनको कोई अलग से स्पेशल स्पेस की जरूरत नहीं होती, बहुत इजीली ग्रो होते हैं और परमानेंट आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरते रहते हैं। तो हम आज इन्हीं प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे जो भी वीडियो आता है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाए। हैंगिंग में भी प्लांट्स की दो वैरायटी होती है, जिसमें एक तो जो आपके गार्डन में परमानेंट होते हैं और एक सीजनल होते हैं जो थोड़े समय के लिए आपके गार्डन में बहुत अच्छे खूबसूरत फूल बिखेर देते हैं। हम सबसे पहले आज परमानेंट प्लांट्स की बात करते हैं और बहुत इजीली कहीं से भी आप उनको ग्रो कर सकते हो बहुत लो मेंटेनेंस में। परमानेंट प्लांट की सीरीज में सबसे पहला जो प्लांट है वो है ये वॉन्डरिंग ज्यू। कितना खूबसूरत होता है और कितना अच्छा ग्रो करके ये नीचे तक हैंग करके आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और हमेशा गार्डन में बना रहता है। इसकी केयर की बात करें, ये हर तरह की सॉइल में ग्रो हो जाता है। बहुत लिमिटेड सनलाइट इसको चाहिए और पानी भी बहुत लिमिटेड चाहिए। टॉप लेयर सूखी दिखे तो इसमें पानी डाल दें। 12 महीने ये ग्रो करता रहता है। सर्दियों में भी इस समय काफी अच्छी ग्रोथ लिए हुए है। इसका एक हैंगिंग में तो आप कर ही सकते हो, प्लस आप किसी प्लांट के साथ मर्ज भी कर सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे ये देखिए मेरा अरेका पाम, और इस पॉट में मैंने इसकी एक बेल गिर गई थी, इसको इस अरेका पाम के साथ मर्ज कर दिया और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है। परमानेंट प्लांट की दूसरी रेंज है ऑर्नामेंटल पर्पल स्वीट पोटैटो वाइन। गार्डन में बहुत अच्छा कलर बिखेर देती है, हैंगिंग्स में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस बेल को मॉइस्चर पसंद है, इसलिए इसमें मॉइस्चर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप इसकी सॉइल बनाते हैं तो 50% कोकोपीट और बाकी 50% आप वर्मी कम्पोस्ट या काउडंग और हल्का सा सॉइल ले सकते हैं। कभी कभी इसकी लीव्स पे स्प्रे करने से इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। इसको ग्रो करना भी बहुत आसान होता है। यहाँ से एक सिंगल स्टेम, जहाँ पर इसकी थोड़ी थोड़ी ये जो रूट निकली हुई होती है वहाँ से इसको तोड़ के आप लगा दें दूसरे पॉट में, तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। तो एक अगर बेल या स्टेम आप घर में लाते हो, उससे आप बहुत सारे पौधे प्लांट्स तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने इस पॉट में भी इसको लगाया और इस तरीके से रखा तो ये एंट्रेंस पे बहुत खूबसूरत लगता है और ग्रीन के साथ में पर्पल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देता है। इसी तरीके से इसको मैंने यहाँ भी लगाया हुआ है। तीसरा प्लांट है पोर्टुलाका मॉस रोज। हैंगिंग पॉट में बहुत खूबसूरत लगते हैं, कटिंग से बहुत इजीली ग्रो होते हैं। इनकी खास बात यह होती है कि इनको फुल सनलाइट चाहिए। इनकी फ्लोरिंग समर्स में बहुत अच्छी होती है, विंटर्स में भी कभी कभी इनका मूड करता है तो सनलाइट पड़ने पर ये फ्लोरिंग दे देते हैं। जैसे ये अभी मॉर्निंग टाइम है, थोड़ा सनलाइट आने से ये फ्लोरिंग देना शुरू कर देंगे। इनकी स्टेम्स भी बहुत अच्छी लंबी लंबी जाती हैं, बस विंटर में थोड़ी सी इनकी ग्रोथ रुक जाती है, बट ये प्लांट मरता नहीं है। चौथा प्लांट है सिंघोनियम। लीफी प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी लीव्स का जो शेड होता है वो बहुत प्यारा होता है। इसको भी आप हैंग करते हो तो बहुत सुंदर लगता है। इसको भी मॉइस्ट पसंद है, सेमी सनलाइट में ये अच्छा चलता है। डायरेक्ट सनलाइट से इसकी जो लीव्स हैं ये बर्न हो जाएंगी और इसको भी घर में आप बहुत अच्छे से प्रोपगेट कर सकते हो। कहीं पर भी जहां इसकी रूट निकली होती है, जैसे ये प्लांट मैंने अभी नया ग्रो किया है, सिंगोनियम को भी रूट से प्रोपगेट किया जा सकता है। जहां इसकी ये रूट निकली होती है वहां से इसकी कटिंग लेके आप मिट्टी में लगा दें तो ये वापस से ग्रो कर जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग में भी। अब मैं जिस हैंगिंग प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ वो है टैंगल्ड हार्ट वाइन। ये हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगते हैं और जिस जगह लगा दो उस जगह की एक अलग ही खूबसूरती बिखेर देते हैं और बहुत इजीली ग्रो होते हैं। एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत अलग अलग जगह घर पे ग्रो किया हुआ है और बहुत खूबसूरत लगता है, एक जैसे यहाँ। विंटर्स में
उसकी भी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, बट गार्डन में ये आपके परमानेंट रहता है।